अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। कराची शहर की बात की जाए कि क्राइम के हवाले से, क्राइम बेकाबू एक दफ़ा फिर होता नज़र आ रहा है। 184 दिनों की अगर बात की जाए तो 1 अरब से ज़्यादा मालियत के सामान लूट कर मुलजमान फरार हो गए और 50 ख़ानदानों की अगर बात की जाए तो उनके चश्मो चिराग बुझा दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो क्या करते नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर पुलिस सर्विस की बात की जाए तो पुलिस सर्विस क्यों मुतहरिक नज़र नहीं आती है। हमेशा हम देखते हैं कि सड़कों पर स्नैप चेकिंग पिकटिंग होती नज़र आती है, लेकिन ये दिन दिहाड़े मुलजमान कैसे वारदातें और डकैतियाँ करके फरार हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखें जो CCTV फुटेज भी नज़र आ रही है उसमें भी देखा जा सकता है कि दिन के औकात के अंदर ये वारदातें होती हैं और गन पॉइंट के ऊपर ये तमाम चीज़ें लूट ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं। पुलिस क्यों इनकी शनाख्त करने में, शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल करने में सुस्ती का शिकार होती है, या फिर शनाख्त हो जाने के बाद क्यों इनको पकड़ा नहीं जाता, हिरासत में लेने के लिए क्यों इंटेल सोर्सेज इनकी बेबुनियाद और नाकाम साबित हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, अपडेट्स क्या हैं आपके पास? 184 दिनों का जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? बिलाल, कराची शहर की जो सूरत हाल है वो तश्वीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। जो कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की जानिब से रिपोर्ट पेश की जा रही है वो तमाम की तमाम एक जानिब है, लेकिन दूसरी जानिब जो आदाद व शुमार हैं वो इंतहाई खतरनाक फिगर बता रहे हैं। अगर बात की जाए रवा साल के 6 माह के दौरान 184 अयाम है मजमूई तौर पर, इन 184 अयाम के दौरान 45,000 से ज्यादा शहरियों से वारदातें की गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने और चोरी की वारदातें हैं। अलबत्ता शहर में रहजनी और डकैती की जो वारदातें हैं वो इससे अलहदा हैं, उनकी तादाद भी कोई 2,000 से तकरीबन ज़ायद बताई जा रही है। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम और डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं, ना कि सिर्फ ये वारदातें अपनी हद पार करती जा रही हैं, इसके साथ साथ जो डकैती मुजाहमत पर शहरियों को कत्ल और जख्मी करने के वाकयात हैं वो तकरीबन 375 से ज़ायद हैं, जिसमें से 50 नौजवान कराची में बसने वाले मौत की आगोश तक जा चुके हैं। डकैती मुजाहमत पर 50 अफराद को जो कत्ल किया गया है। इन सनसनीखेज वारदातों के जो वाकयात हैं वो कराची के मुख्तलिफ थाना जात में रिपोर्ट किए गए हैं। शहर का हर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कत्ल की वारदात हुई है। अगर वस्ती की बात की जाए तो उसमें 11 हैं, गर्बी में 14 अफराद हैं। जिला जुनूबी जो इंतहाई हसास तरीन जिला बताया जाता है, यहाँ भी ये एक कत्ल की वारदात हुई है। सिटी में भी एक वारदात हुई है। डिस्ट्रिक्ट केमारी और कोरंगी में मजमूई तौर पर 10 अफराद को डकैती मुजामत के दौरान जो है वो कत्ल किया गया है। जिला शर्की शहर का एक बड़ा शहर इलाका है, इस इलाके में सनती और रिहायशी मकान की तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ 10 अफराद को कत्ल किया गया है। जबकि मलीर एक मजाफाती डिस्ट्रिक्ट कहलाता है कराची का, यहाँ 3 अफराद को डकैती मुजामत पर कत्ल किया जा चुका है इन 184 अयाम में। और अगर बात की जाए मुजामत पर जख्मी होने वाले अफराद की तो उनकी तादाद 300 से ज्यादा है। शहर में रोजाना की औसतन 10 अफराद को जो है वो डकैती मुजाहमत और दीगर वाकयात में जो है वो फायरिंग और दीगर हिस्सों में गोलियां और दीगर वाकयात में जख्मी करने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बात की जाए अगर रवा साल की तो जनवरी में 11 अफराद को कत्ल किया गया है, फरवरी में 9, मार्च में भी 9 है, अप्रैल में 3 वारदातें रिपोर्ट हुई है, मई के महीने में 10 है और जून में 8 अफराद को दरिंदगी के साथ डकैती मुजाहमत पर कत्ल किया गया है। इन नौयत के जो वाकयात हैं कराची में मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से जो खुद सख्ता जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, इन तमाम के तमाम कत्ल की वारदातों के मनाजिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं। बेहद तक पुलिस ने मुकदमात इसमें हल कर लिए हैं, लेकिन कई मुकदमात ऐसे हैं जो कि हल नहीं हो सके हैं। कुछ मुकदमात ऐसे रहे जिसमें साफी अतर मतीन का कत्ल था, वाकया इंतहाई दर्जे तक रिपोर्ट होता रहा, जिसकी वजह से पुलिस ने इसमें बहुत ज्यादा बर्फरफ्तारी दिखाई थी और इस केस को पुलिस ने हल किया था। लेकिन अलबत्ता दीगर केसेज हैं, दीगर अफराद हैं जो आज भी अपने लुकमा जल बनने वाले लगते जिगरों के कातिलों की गिरफ्तारी पर जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। शहर में औसतन रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों 300 के करीब औसतन वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। मजमूई तौर पर 184 अयाम में 45,000 शहरी जो है वो अब तक वारदातों का शिकार हुए हैं। अगर हम इसका तखमीना लगाएं, एक औसतन तखमीना अगर हम लगाएं तो 14,435 मोबाइल फोन चोरी की वारदातें हुई हैं और इसकी मजमूई एक मुख्तसर तखमीने के आदाद शुमार के मुताबिक 28 करोड़ रुपए मालियत दी है। इसी तरह 27,161 मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें कराची शहर के 8 डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुई हैं। औसतन अगर हम 30,000 रुपए मालियत की एक मोटरसाइकिल का तखमीना लगाते हैं तो ये 81 करोड़ रुपए मालियत की वारदातें हैं। इस पूरे शहर में के 8 डिस्ट्रिक्ट में मजमूई तौर पर 1 अरब और 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फोन और शहरियों से उनकी
मोटरसाइकिलें छीनने गई हैं। ठीक है ताहिर, हम इस वक्त किसी बड़ी डकैती को डिस्कस नहीं कर रहे ताहिर, हम सिर्फ अभी आप जो बता रहे हैं चीजें वो मोबाइल फोन्स के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं और मोटरसाइकिल्स के हवाले से 1 अरब से ज़ायद मालियत की ये चीज़ें लूट ली गई, छीन ली गई गन पॉइंट के ऊपर, रिकवर कितनी हुई है अब तक? बिलाल साहब, इसकी 2-3 वजूहात हैं। कराची से बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं, ये पहले ना कि सिर्फ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला मुंतकिल की जाती थी, मगर अब ये पंजाब और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख की जा रही है, जहाँ आसान बापानी ये इस्तेमाल हो पा रही है। इसी तरह अगर मोबाइल फोन की बात करें तो ये मोबाइल फोन पहले सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में स्मगलिंग की हद तक महदूद थे, लेकिन अब ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत अरब ममालिक में भी जाने का इसका इंकशाफ हुआ है, और इसमें कई बड़े ग्रुप मुलव्वज़ हैं जो बाकायदगी के साथ शहर में वारदातें करने वालों की सरपरस्ती भी करते हैं, उनकी जमानतें भी कराते हैं और उनको हथियार फराहम करने समेत मोटरसाइकिल तक फराहम करते हैं। ये खतरनाक तरीन सैकड़ों गैंग है जो शहर में काम कर रहे हैं। इसी तरह एक बड़ी वारदात कराची का जिला शर्की है, जिसका थाना है अजीज भट्टी, इसकी हदूद के गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में हुई थी। एक निजी केबल फराहम करने वाली कंपनी है, उसके साथ उसके अमले के साथ ये वारदात हुई है। लाखों रुपए मालियत की इंतहाई कीमती और पाकिस्तान में जो है वो यूनिक एक मशीन थी जो कि चोरी कर ली गई है, और कई घंटे गुजर चुके हैं। इस वारदात का मुकदमा अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में दर्ज जरूर हो गया है, लेकिन ये बाकायदगी के साथ पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन मशीन अब तक ताल बरामद नहीं है। तो कोई सीसीटीवी फुटेज आ सकी है जो मशीन चोरी की गई है? मुलजमान की शनाख्त का अमल कहाँ तक पहुंचा है? बिलाल बिल्कुल, 2:31 पर गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13 में ये वारदात हुई थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर अजीज भट्टी पुलिस ने जरूर हासिल किए हैं। येलो कलर की टी शर्ट में मलबूस किए मोटरसाइकिल सवार मुलजिम है, जो कि मशीन को चोरी करने के बाद जो है मुख्तलिफ मकाम से गुजरता हुआ नजर आएगा। पुलिस ने सराउंडिंग दीगर कई लाख मकाम से जो है वो इसके मनाजिर जो है वो महफूज किए हैं अपने पास, और पुलिस ना कि सिर्फ अजीज भट्टी, गुलशन इकबाल और तलाश के इलाकों में भी मुखबरे खास की जो नेटवर्क है उसके जरिए इसको ढूंढने की तलाश में लगी हुई है। SHO अजीज भट्टी अदील अफजाल दावा करते हैं कि इस मुलजिम को जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और ये मशीन से बरामद की जाएगी। ठीक है, ये जो आपने वारदातों के हवाले से कंपाइल डेटा नाज़रीन से शेयर किया है, 184 अयाम के अंदर जो 45,000 वारदातें हुई हैं, इस पर IG सिंध का क्या मौकफ है, और ख़ास तौर पर कराची पुलिस चीफ की अगर बात की जाए तो KPO ऑफिस के अंदर गूंज हुई है इन वारदातों की? बिलाल, ये बड़ी और छोटी वारदातें जो है वो ये खासन शहर में उस नौत की रिपोर्ट होती है कि एक थानेदार की हद तक इसे महफूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर शहर में कोई बड़ी वारदात रिपोर्ट होती है तो उसकी बाकायदगी के साथ इतला कराची पुलिस चीफ के सरबरा जावेद आलम ओडो और सिंध पुलिस के सरबरा गुलाम नबी मेमन को जरूर दी जाती होगी। लेकिन ये मजमू तौर पर जो आदाद शुमार है, इन आदाद शुमार को औसतन जब कैलकुलेट किया कराची पुलिस ने, तो उस पर जावेद आलम ओडो मौके पर इख्तियार करते हैं कि औसतन जो शहर में वारदातों का पहले रुझान था उसमें कमी आई है, और इनसे जो मुलविस मुलजिमान है उनकी गिरफ्तारी की तादाद में इजाफा हुआ है। पुलिस दावा कर रही है कि शहर में सूरत हाल कंट्रोल्ड में है और अमन अमान की सजा बरकरार होने में चंद अरसा बाकी है, लेकिन जो 50 अफराद इस शहर में बेदर्दी के साथ सिर्फ मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल ना देने की मुदाहमत पर कत्ल हुए हैं, इनके मुकदमात शहर में दर्ज हैं, जो कि पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। 184 दिनों के अंदर ये वारदातें तेजी से रिपोर्ट होती नजर आ रही हैं, मुखबर खास क्या बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, सोर्सेस जो इंटेल है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस इन मुलजमान को पकड़ने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? बिलाल, क्योंकि जो कुछ शहर में हो रहा है इसमें मुलविस बेशतर गुरोह का ताल दीगर इलाकों से है। ये गैर मकामी लोग हैं जो कि कराची आते हैं, वारदातें करते हैं और दोबारा अपने आबाई इलाकों में जाके रूपोशियां अख्तियार करते हैं। इस बात का एतराफ़ खुद गुलाम नबी मेमन साहब कर चुके हैं कि शहर में 200 से ज्यादा ऐसे गुरोह हैं जो कि गैर मकामी हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ दीगर अजला से है, जो कि सिर्फ खासतन कराची आते हैं, वारदातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। इन गुरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी इकवत अमली के तहत एक खुफिया ऑपरेशन शुरू कर रखा है, लेकिन अब तक ना तो उस ऑपरेशन में पुलिस बड़ी मकदार में कामयाब हो चुकी है और ना ही रेंजर इनकी गिरफ्तारी में कोई खासा इकदाम जो है वो पैदा कर चुकी है, लेकिन सूरत हाल शहर में जू के तू है। जब दोनों सरबराहान सिंध पुलिस और कराची पुलिस से तब्दील हुए थे तो एक नई उम्मीद की किरण कराची के शहरियों में जागी थी कि बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और अब कोई एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो सकती है, लेकिन सूरत हाल वैसी ही है जैसी अगर 2019, 2020 और 2021 में थी। तादादों में मामूली नौयत का फर्क जरूर आया होगा, लेकिन शहरी बेदर्दी के साथ कत्ल हो रहे हैं। लवारिस शहर में 300 से ज्यादा
शहरियों को जो है वो बेदर्दी के साथ मादूर कर दिया गया, गोलियां मार दी गई, सिर्फ मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन ना देने की पादाश में ये सूरत हाल संगीन हद तक बढ़ती जा रही है। ठीक है ताहिर, हम ये भी देखते हैं कि ऑपरेशनल पुलिस, ठीक है, रोज़ाना रूटीन वर्क के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ अमल होती है, स्टेशन के अंदर जो रूटीन की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा वक्त सर्व करने में हम देखते हैं कि टाइम लगता है, इसलिए नहीं स्पेशली जो है वो इन चीज़ों को टेकअप किया जाता। लेकिन इंटेल पुलिस की अगर बात की जाए तो पहले हम ये देखते थे कि सादा लिबास एहलकार भी सोर्सेज को कन्फर्म करते थे और मुखबर खास भी उनके साथ बेहतर तरीके से काम करते थे, फिर जब गुलाम नई मेमन केपीओ के अंदर आते हैं और फिर सादा लिबास एहलकारों को काम करने से रोक दिया जाता है, हेडक्वार्टर वापस रिपोर्ट करने का कहा जाता है, और अब ये जिस सीट पर विराजमान है वो आईजी सिंध पुलिस की सीट है, उसके बाद इनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि सादा लिबास एहलकार कितना ज़रूरी है शहर के लिए। बिलाल, गरीबी के इलाके में औरंगी टाउन पुलिस स्टेशन रूट में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, उसके बाद सिंध पुलिस ने यह फैसला किया था कि शहर बढ़ते जो सादा लिबास एहलकार जो किसानों की सतह पर पोस्टिंग थी और वो काम करते थे और वो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत रखते थे उसे खत्म किया जाए, और फिर बिलाखिर से खत्म भी किया गया, लेकिन उसके खत्म होने के बाद उन्हें मुख्तलिफ पुलिस सेक्शन में जो है ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसके असरात कराची पर हैं और गुज़श्ता कोई 7-8 महीनों से ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तो उतनी ही हैं, लेकिन गिरफ्तारी का जो एक आदाद शुमार है उसमें कमी आई है। उसकी वजह यही है कि जो सादा लिबास एहलकार जिस हकमत अमली के साथ शहर में खासतौर पर अपने मकामी इलाकों में गश्त करते थे और अपना नेटवर्क मजबूत रखते थे वो टूटा है, जिसकी वजह से पुलिस बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी मुश्किल पुलिस को इस बात की बहुत ज्यादा पेश आती है कि जब कभी कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो शोबा तफ्तीश उस तेजी के साथ शवाहद हासिल नहीं कर पाती और अदालतों में मजबूत केसेस नहीं दिए जाते, जिसका एतराज भी कराची पुलिस के सरबराहान कर चुके हैं कि आया शहर में जो कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद मजबूत केसेस नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से वो जमानतों पर रिहा होते हैं। इसमें एक हिकमत अमली ये भी बनाई गई थी कि जो लोग क्रिमिनल हैं और जो 2 से 3 मरतबा पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और रिपीट क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल हैं उनकी जमानतें कराने वाले जो अफराद हैं उनके गिरफ्त घेरा तंग किया जाएगा और उनको भी गिरफ्त में लिया जाएगा अगरचे वो मफरूर हो जाते हैं। उस पर भी कुछ तेजी से खासा काम नहीं किया गया, अगर से किया जाता तो शहर में सूरत हाल बेहतर रहती। ठीक है, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी क्या करती नजर आ रही है इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो मोबाइल फोन चोरी हो रहे हैं? बिलाल, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी का जो एक दायरे कार है उसके तहत मोबाइल फोन को ब्लैकलिस्ट करना, उसको बंद करना या फिर मोटरसाइकिल चोरी की सूरत में उसे सिस्टम के तहत ब्लैकलिस्ट करार देना ये उसका काम है, और एक खास तकनीकी उनके पास बारात है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ एक बड़ी मुश्किल कराची पुलिस को ये भी है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा है वो गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल ताखीर का शिकार है, उसमें इब्तदा जरूर हुई है, शर्की पुलिस ने उस पर इब्तदा की है, सेंट्रल पुलिस ने उस पर इब्तदा की है, लेकिन जितनी सुर्ख रवि के साथ ये मंसूबा ताखीर का शिकार है जो सबसे ज्यादा इस वक्त कराची पुलिस को मुश्किल में मुब्तला कर रहा है। अगरचे हाई राइज कैमरे इस शहर में नस्ब कर दिए जाएं तो पुलिस को मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। ये जो मोटरसाइकिल चोरी की जाती है, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, वक्त भी कम रह गया है ताहिर, ये एक सूबे से दूसरे सूबे कैसे मुंतकली की जाती हैं? जी बिल्कुल, ये जो मोटरसाइकिल चोरी की जाती हैं ये बासानी एक सूबे से दूसरे सूबे कैसे मुंतकली की जाती हैं? जो आईजी सिंध कहते नजर आ रहे हैं कि ये मुकामी चोर या डकैत नहीं है, ये दूसरे सूबों से आते हैं। बिलाल, इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है, जो स्मगलिंग में मुलव्वित है, यही ग्रोह साफी अतर मतीन के कत्ल में भी मुलव्वित था। इसके साथ साथ एक खोकर नामी ग्रोह है जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से कराची में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीनने समेत उससे इसकी स्मगलिंग में मुलव्वित है, पूरी चेन वाइज ये काम करते हैं। मोटरसाइकिल छीनने वाला ग्रोह अलग होता है, उसे खोलने वाला ग्रोह अलग होता है, उसकी स्मगलिंग में मुलव्वित ग्रोह अलग होता है, और फिर एक चेन की सूरत में ये वहां तक बलोचिस्तान और दीगर इलाकों तक पहुंचाई जाती है। जो फरोख करने वाला ग्रोह है वो अलग है, मुख्तलिफ तरीका अंदाज है इसकी फरोख का भी, या तो नकद रकम फराहम की जाती है या फिर मंशात की सप्लाई के जरिए जो है वो इसकी रद्दबदल की जाती है। ये दो तरीकेकार है, पुलिस इस नेटवर्क को ब्रश करने में कई मरतबा कामयाब जरूर हुई है, लेकिन ये एक मरतबा फिर जमानतें हासिल करने के बाद दोबारा से नेटवर्क को मजबूत करते हैं और ये काम शुरू करते हैं। अतर मतीन कत्ल केस में जो मुलव्वित ग्रोह था उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क से मुतालिक बड़े इंकशाफात हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती के साथ ये ग्रोह उस वक्त यहाँ से फरार हुआ और तगाल अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी हमें इस हवाले से रिपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, 184
डेज़ की अगर बात की जाए तो 45,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 1 अरब से ज़्यादा मालियत का सामान चोरी या डकैती के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, लेकर ये मुलजमान फरार हो गए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, IG सिंध क्या करते नज़र आ रहे हैं, एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ क्या करते नज़र आ रहे हैं, DIGs क्या करते नज़र आ रहे हैं, SSPs या फिर SP या फिर DSPs की बात की जाए या फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर की बात की जाए, तो ये तमाम जो अफसरान हैं ये क्या करते नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे कौन से ग्रोह हैं जो दूसरे सूबों से ऑपरेट किए जाते हैं और इस शहर के अंदर आके डकैती चोरी वारदातें करके बआसानी फरार हो जाते हैं, ऐसी कौन सी सोर्सेज हैं जो शेयर नहीं की जा रही हैं, या फिर आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो आपका माइंड है वो किस तरफ लगा हुआ है, रूटीन की एक्सरसाइज के ऊपर आप ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हैं, लेकिन ये जो वारदातें हो रही हैं इनको आपने बिल्कुल नज़रअंदाज किया, अगर नज़रअंदाज नहीं भी किया हुआ है तो बेसूद साबित क्यों हो रही हैं आपकी कार्रवाइयाँ? ऐसा लगता है कि आपके जो सोर्सेज हैं वो वीक होते चले जा रहे हैं, उसकी भी बहुत वजूहत है, इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम किया जाएगा। सादा लिबास अलकारों का एक बहुत बड़ा मसला था और इस अहमियत को हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर उजागर किया गया कि सादा लिबास अलकार बहुत ज़रूरी हैं इस शहर के अंदर क्राइम को काबू करने के लिए। ठीक है, आप क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते, रेशो आप कम कर सकते हैं, उसके लिए आज आपको एहसास होगा कि सादा लिबास अलकार किस तरीके से काम करते नज़र आ रहे थे। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।